अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सीना को खोट और हसद से पाक रखना। हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इतने में आपने फरमाया, अभी तुम्हारे पास एक जन्नती आदमी आएगा। तो इतने में एक अंसारी आए जिनकी दाढ़ी से वुजू के पानी के कतरे गिर रहे थे और उन्होंने बाएं हाथ में जूतियां लटका रखी थी। अगले दिन फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वही बात फरमाई तो फिर वही अंसारी उसी तरह आए जिस तरह पहली मर्तबा आए थे। तीसरे दिन फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वही बात फरमाई और वही अंसारी उसी हालत में आए। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मजलिस से उठे तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन अयास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा इस अंसारी के पीछे गए और इनसे कहा, मेरा वालिद साहब से झगड़ा हो गया है जिसकी वजह से मैंने कसम खा ली है कि मैं 3 दिन तक इनके पास नहीं जाऊंगा। अगर आप मुनासिब समझे तो आप मुझे अपने यहाँ 3 दिन ठहरा लें। उन्होंने कहा, जरूर। फिर हजरत अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मैंने इनके पास 3 रातें गुजारी लेकिन मैंने इनको रात में ज्यादा इबादत करते हुए ना देखा। अलबत्ता जब रात को इनकी आंख खुल जाती तो बिस्तर पर अपनी करवट लेते और थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र करते और अल्लाह अकबर कहते और नमाज़े फजर के लिए बिस्तर से उठते। हाँ, जब बात करते तो खैर ही की बात करते। जब 3 रातें गुजर गईं और मुझे इनके तमाम अमाल आम मामूल के ही नजर आए और मैं हैरान हुआ कि हजूर ने इनके लिए बिशारत तो इतनी बड़ी दी लेकिन इनका कोई खास अमल तो है नहीं। तो मैंने इनसे कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरा वालिद साहब से कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना कोई नाराजगी हुई और ना मैंने इन्हें छोड़ने की कसम खाई, बल्कि किस्सा ये हुआ कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके बारे में 3 मर्तबा ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अभी तुम्हारे पास एक जन्नती आदमी आने वाला है और 3ों मर्तबा आप ही आए। इस पर मैंने सोचा कि मैं आपके यहाँ रहकर आपका खास अमल देखूं और फिर इस अमल में आपके नक्शे कदम पर चलूं। मैंने आपको कोई बड़ा काम करते हुए तो देखा नहीं, तो अब आप बताएं कि आपका वो कौन सा खास अमल है जिसकी वजह से आप इस दर्जा को पहुंच गए जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। उन्होंने कहा, मेरा कोई खास अमल तो है नहीं, वही अमल है जो तुमने देखे हैं। मैं ये सुनकर चल पड़ा। जब मैंने पुश्त फेरी तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मेरे अमाल तो वही हैं जो तुमने देखे हैं, अलबत्ता ये एक खास अमल है कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के बारे में खोट नहीं है और किसी को अल्लाह ने कोई खास नेमत अता फरमा रखी हो तो मैं इस पर इससे हसद नहीं करता। मैंने कहा, इसी चीज ने आपको इतने बड़े दर्जे तक पहुंचा दिया है। बाजार की रवायत में इन सहाबी का नाम हजरत साद बताया है और रवायत के आखिर में यह है कि हजरत साद ने हजरत अब्दुल्ला से कहा, ऐ मेरे भतीजे, मेरे अमल तो वही हैं जो तूने देखे हैं, अलबत्ता एक अमल ये है कि मैं जब रात को सोता हूँ तो मेरे दिल में किसी मुसलमान के बारे में कीना वगैरह नहीं होता।
इब्ने असाकिर की रवायत में ये है कि इन साहब का नाम हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो था। और इस रवायत के आखिर में ये है कि हजरत साद ने कहा, मेरे अमल तो वही हैं जो तूने देखे हैं, अलबत्ता एक अमल ये है कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए बुरा जज्बा नहीं और ना मैं जबान से बुरा बोल निकालता हूँ। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा, इसी चीज ने आपको इस बड़े दर्जे तक पहुँचाया है, ये मेरे बस में तो है नहीं।